हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आप सब लोग को पता ही होगा, बजट में एनबीएफसी कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को राहत देने की बात कही गई है। तो ऐसे में भाई, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए उसी के बारे में बताऊंगा। तो मैं आज आपको एक बहुत बड़ी ग्रुप की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बताऊंगा, जिसमें आप लोग पैसा लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा। अगर भाई कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं। और भैया, जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर देता है। आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पर किसी स्टॉक को जगह दो, वरना आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 16,639.21 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 22,135.30 चुका है। तो देख सकते हो बहुत बढ़िया अच्छा नेट सेल टर्नओवर है। हाफ ईयरली 16,639 से 22,135 हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 16,663.12 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 22,156.07 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बड़ा इसका टोटल इनकम है, 16,663 से 22,156 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 15,997.52 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 21,006.86 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बड़ा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाफ ईयरली एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो एबिटा था वो 16,021.43 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 21,027.33 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बड़ा इसका एबिटा है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पर देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 3,745.41 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4,975.38 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 3,745 से 4,975 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो पैट था वो 3,745.41 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4,975.38 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख प्रिंट वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ। पहले आप हाफ वाली रिजल्ट देख रहे थे भाई, तो देखो मार्च 15 में जो नेट सेल था वो 27,401.16 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 43,348.04 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 27,401 से 43,348 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 27,000
470.86 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 43,378.01 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है, 27,470 से 43,348 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर भाई। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 26,559.31 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 40,993 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 26,559 से 40,993 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर भाई। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 26,629.01 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 41,022.97 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत बढ़िया इसका एबिटा है और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी सारी प्रॉफिट वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस तो देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 5,990.14 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 9,632.46 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है, 5,990 से 9,632 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर भाई। मार्च 15 में जो पैट था वो 5,990.14 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 9,632.46 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको यह वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। आप लोग चाहो तो इस कंपनी में मंथली भी SIP कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो, जो करना है भाई करो, लेकिन इस कंपनी में पैसा लगा के रखो। HDFC लिमिटेड अब तक किस तरह से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जबकि लार्ज कैप कंपनी है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 340% है, सेंसर का रिटर्न है वो 164.96% है। मैं भाई HDFC लिमिटेड को क्यों चूज किया वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग को भाई पता ही होगा बजट में NBFC कंपनी को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को राहत देने की बात कही गई है। तो जितनी भी NBFC कंपनी है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सभी को बहुत ही अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो आप लोग HDFC लिमिटेड में पैसा लगा सकते हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस में पैसा लगा सकते हो, L&T फाइनेंस में पैसा लगा सकते हो, HDFC बैंक में पैसा लगा सकते हो, SBI में पैसा लगा सकते हो, इंडसइंड बैंक में पैसा लगा सकते हो। लेकिन भाई मैं यहाँ पे HDFC लिमिटेड को चूज किया हूँ क्योंकि ये कंपनी मुझे बहुत ही पसंद है। आप सब लोग को पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में HDFC लिमिटेड ने किस तरह रिटर्न बना के दिया है। तो देख सकते हो 80.95% आने, सेंसर का डाने 45.45% आने। वन ईयर में देख लो, वन ईयर में 17.97% आने, सेंसर का डाने 11.07% आने। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में डाने 15.67% आने, सेंसर का डाने 9.55% आने। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 15% रिटर्न बना के दे चुका है। वन मंथ में देख लो भाई, वन मंथ में डाने 2.42% आने, सेंसर को डाने -1.42% आने। वन वीक में देख लो भाई, वन वीक में डाने 3.95% आने, सेंसर को डाने 0.30% आने। वन डे में देख लो, वन डे में डाने -0.10% आने, सेंसर को डाने -0.99% आने।
तो खरीदिए भाई, उस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो पैसा बना के देगा ही और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा इस कंपनी में। HDFC लिमिटेड का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ भाई। देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 0% होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। FIS के पास जो होल्डिंग है HDFC लिमिटेड में 72.44% होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का HDFC लिमिटेड का शेयर तो होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई आपका पैसा भी नहीं बनेगा, सारा पैसा FIS ही बनाएंगे। तो अभी से इस कंपनी में पैसा लगा के रखिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है HDFC लिमिटेड वो 7.91% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है HDFC लिमिटेड वो 6.37% होल्डिंग है। अदर DI पर जो होल्डिंग है 2.39% होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 10.89% होल्डिंग है। कोई भी शेयर HDFC लिमिटेड का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। LIC के पास जो होल्डिंग है HDFC लिमिटेड वो 3.74% होल्डिंग है। तो भैया इस कंपनी पे LIC भी भरोसा करता है, वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। HDFC लिमिटेड का PE रेशियो भाई वो 29.60 का PE रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है HDFC लिमिटेड का 3.52 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है HDFC लिमिटेड का 0.86% का है। ROC जो लेटेस्ट है भाई HDFC लिमिटेड का 30.53% का है। ROE जो लेटेस्ट है 11.90% का है। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड ROC ROE बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे देख सकते हो फेयर बता रहा है, क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो भाई एक्सटेंड बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का है वो 18.60% का है। एवरेज ग्रोथ जो 5 ईयर का 11.39% का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो HDFC लिमिटेड ने किस तरह से टर्न बना के दिया है। तो देख लो भाई 10 साल में टर्न है वो 340% टर्न है, 5 साल में 124% टर्न है, 3 साल में 80% टर्न है, 1 ईयर में 18% टर्न है, ईयर टू डेट में 15% टर्न है, 1 मंथ में 2% टर्न है, 1 वीक में 3% टर्न है। तो देख सकते हो ये कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट बना के देती है। तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आपका इसमें पैसा सेफ रहेगा और भैया रिटर्न तो मिलेगा ही लॉन्ग टर्म में। एनुअली ये कंपनी आपको 20 से 25% तक रिटर्न बना के दे सकता है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब होता बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी का पैसा लगाओ, तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।